खन्ना विखे वापरे दिल दहला देने वाले हादसे विच 24 साल मकैनिकल इंजीनियर अमृतपाल सिंह की टैंकी साफ करते समय मौत हो गई। अमृतपाल सिंह खन्ना विखे पिज़्ज़ा हट से काम करता सी। दो दिन पहला उसनू जबरदस्ती पिज़्ज़ा हट के प्रबंधकों ने पिज़्ज़ा हट की छत से पेच के पानी वाली टैंकी साफ करने लई कहा सी, परंतु टैंकी साफ करदे समय अचानक करंट लगन नाल उसकी मौत हो गई। देखो खन्ना तो संजय सैनी की रिपोर्ट। हाँ, पिज़्ज़ा हट च मेरा मुंडा काम करता सी जी, तो बहुत बारी मैनेजर तो दो दो तीन तीन घंटे भी वध लवाउंदा रहा, जबकि वो ड्यूटी इन्नी इन्ने टाइम तक नहीं होंदी सी। वो ड्यूटी सिर्फ पिज़्ज़ा बनाउण दी सी, ना कि टैंकी साफ करन दी। किथे काम किथे कर रहे हो? पिज़्ज़ा हट च जी। किन्नी देर हो गई काम करदे जी? ਉਹਨੂੰ ਜੀ 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? 25 25ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਦਾਦਾ ਰਜ਼ਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਇਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਦੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਘਰੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਜਾ ਅਮਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। देखो जी, अज असी मैनू पहला तो मेरे ब्रदर की डैथ हो गई, उधर मैनू पहला तो फोन है उन्होंने 12:30 करीब वो डैथ हुई थी, तो पहला तो लैके 1:30 बजे आए जी हॉस्पिटल, जेडे IVY हॉस्पिटल लैके आए। पिज़्ज़ा हट हुई सी और उत्ते पानी वाली टैंकी साफ कर रहा है। एक साल 8 महीने के करीब हो गए थे जी उन्होंने, तो पता नहीं जी, मैनेजर ने उन्होंने कहा होना के उत्ते जाके करे टैंकी साफ, हालांकि वो थोड़े दिन पहला बीमार भी सीगा, एडमिट भी रहा हॉस्पिटल दे विच, ते उहदा रिजाइन भी पवाता सीगा असी, ते बट फिर भी उन्होंने बार बार कॉल करके कही है भी तू आ जा, नहीं तेरे तेनू सैलरी नहीं मिलनी आ महीने की। वह कहना चल कोई गल नहीं, मैं 1 महीना होर ला लैना। 3-4 दिन रह गए थे जी वो ड्यूटी दे, ते मैनू उन्होंने 1:30 बजे घंटे बाद उन्होंने देखा भी बंदा साडा आया नहीं गा, उत्तों मुड़िया नहीं गा, घंटे बाद जाके उन्होंने उत्ते 1:30 बजे 12:30 से जी वो फोन च फोटो खिंची हुई सी फोन की टैंकी की, तो 1:30 बजे उन्होंने लैके गया, तो मैनू फोन उन्होंने सब तो पहला मैनू फोन आया सीगा, तो मैनू फोन उन्होंने 2:30 बजे किया, 12:30 की डैथ हुई भी मैनू 2:30 बजे फोन आया जी उन्होंने भी इदा इदा ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ IVY ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਓ। ਦਾਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹਿਰੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? 24 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 25ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਆਫਿਸ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ? ਨਹੀਂ, SSP ਆਫਿਸ ਅੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਣੀ, ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਣੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਚੱਕ ਮਾਫੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸੀ, ਉਮਰ ਸੀ 23 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸੀ, ਉਹ 304A ਸੀ, 304 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 304 ਧਾਰਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਦੀ,
क्योंकि इंच लिखा होया भी उन्हें बाद चलाउन लग्या सी मोटर चलती जे बंदे नू करंट लगे वह बाद मोटर चला नहीं सकता। उस तो बाद सानू जां इन्हां नू कुछ नहीं पता, ये 12:20 दी वीडियो पाई हुई है, 1:30 बजे वो डेड बॉडी लैके पहुँचते हैं IBY जिथे उन्होंने IBY वाले ने पहले ही भी डैथ हो चुकी है मृतक करार दिता। मैनेजर की कार्रवाई की मांग हो रही है जां कंपनी ते? हाँ जी कंपनी ते भी, मैनेजर ते अलग ते जिहड़ा इन्होंने करिया सिर्फ मुआवजे के चक्कर च जिहड़ा उन्हें रेजिग्नेशन देता सी, कहिंदे मुआवजा तैनूं तां मिलेगा जो तेरा फंड तां मिलेगा जे तू 1 महीना पहला देना सी, धक्के नाल उन्हूं महीना होर लाउण लई कहा, मुश्किल नाल उहदा हफ्ता खंड रहिंदा सी, जिहड़ा उहदा कम सी उहदा कम सफाई का नहीं सी, उह पीज़ा डिलीवर करना उहदा कम सी, उहदे दा गलत इस्तेमाल करिया मैनेजर ने, गलत इस्तेमाल करन ते उहनूं टैंकी साफ करन नूं कहा उहने बेचारे ने करी, जो कहिंदा सी मैनेजर उह करदा सी, पर मैनेजर दे पैरों कंपनी का है मुआवजा की मंग कंपनी तो करते हैं, सज़ा मैनेजर मिलनी चाहिए है जो कसूरवार है। परिवार की मंग है सर? परिवार की यही जी, जो बनता मुआवजा वो कंपनी दे, जो होया नुकसान मैनेजर के पैरों नहीं उहदा ना हैरान करता ना उन्होंने रेजिग्नेशन करना पैंदा, जिहड़ा लॉकडाउन आ करफ्यू लगे च भी उन्होंने भेजते सी जां पीजा दे के आ, वह साऊ बंदा सी, डरदा सी, पढ़िया लिखिया सी, मेहनती जवान सी, इस करके मौत का कारण सिर्फ वह ईमानदार बंदा होने करके शरीफ होने करके मौत का बनया, नहीं जे होर हों उन्हूं जवाब दिंदा भी मेरी ड्यूटी की आ, मैं सफाई वाला तो मेरी ड्यूटी नहीं है, तो उहदा संस्कार हजे कलू डेड बॉडी मिलनी आ, कलू अज ना उहदे फादर साहब ने आना 3 बजे, उन्होंने आने तो बाद शाम लेट हो जाना, फिर जमें भी होया सवेरे सजरे डेड बॉडी लैके आह जो है वाधा होने बाद फिर संस्कार करना। अफसर ने कहा भी तुसीं जाओ जाके आह नाल SHO साहब नूं भेजिया जाके ये 304 लाउंदे ने, जो परिवार की मंग सी मान ली गई है, वह मान ली गई है जी, तो असीं ये जो मकसद सी धरने लई ये मुलतवी करते हैं, ये अगे DDR की कापी CT2 चो लवेंगे, सारे जो कट्ठे हुए सज्जन छोटी जी काल ते उन्हां सारयां दा धन्नवाद करदे। पीज़ा हट से ना मिस्टर जो अमृतपाल सिंह से पीज़ा हट से जॉब करते उत्थे किते करंट लगन नाल इन्हां दी मौत हो गई सी, रिगार्डिंग FIR नंबर 132 डिटेल 26-8 अंडर सैक्शन 304 दर्ज हुई सी, तो जिहड़ा हाले इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो दौरान जी डेपुटेशन मिलया भी सैक्शन का वाधा किया जाए, वो DSP साहब ने SHO साहब ने हिदायत कर दी भी वो रिगार्डिंग चैक करके रिकॉर्ड मुताबक उस वाधा किया जाए, जो भी बनता है कानून तक जो भी बनता है वह वाधा किया जाए। हाँ जी अच्छा। हाँ 304 कर रहे हैं। मतलब 304 304 कर।